हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लेक्चर इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी। उनके हिसाब से एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ अनकटेबल, इनडिविजिबल। और इस बात को आगे चल के वेरियस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जॉन डाल्टन की जो बात थी वो सही नहीं थी। तो इसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में? पहले हमको पता है कि एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी की थी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, यानी थ्रू लिक्विड्स। उन्होंने लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी की थी। और उसके पहले भी वायर्स, सॉलिड वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी हो चुकी थी। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बारे में स्टडी कर रहे थे कि क्या गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट करा सकते हैं। इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। उन्होंने एक ऑपरेटस बनाया था। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा ऑपरेटस होता है जिसमें कि हाई वोल्टेज लगा के एक ग्लास ट्यूब रखी जाती है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर बहुत ही कम होता है। प्रेशर होता है अराउंड 10^-2 atm टू 10^-4 atm। ऐसा जब सेटअप तैयार किया जाता है तो इस सेटअप को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप। इसको CRT ट्यूब भी बाद में बोला गया, कैथोड रे ट्यूब। पहले हम ये समझते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में किया क्या गया। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, जिनका नाम था जे थॉमसन, वो भी इस स्टडी को कर रहे थे बट इन डिफरेंट परस्पेक्टिव। उनका परस्पेक्टिव थोड़ा अलग था। उन्होंने जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा क्या कि सम इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड स्ट्राइकिंग द अपोजिट वॉल ऑफ अदर प्लेट, दैट इज एनोड। एनोड के प्लेट पे ये इनविजिबल रेज टकरा रही थी। तो इनविजिबल थी तो दिखाई कैसी थी? तो उन्होंने यहाँ पे एक कोटिंग कर रखी थी, जिंक सल्फाइड, एक मटेरियल होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिस पे अगर चार्ज पार्टिकल टकराए तो हम फ्लैशेस जनरेट करता है। तो इन्होंने इस रेज का नाम रखा कैथोड रेज। किसने नाम रखा? सर जे थॉमसन ने। 1897 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि वेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज across the discharge tube, some invisible rays seems to come out from cathode and he named it as a cathode rays. फिर इन्होंने इतने पर discharge tube के conduction पर वो नहीं रुके, वो इसके आगे गए। उन्होंने क्या किया, इसी tube में various ढंग के और others experiment उन्होंने किए। उन्होंने किया क्या, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो ये रेज आ रही थी, इस रेज के पाथ में उन्होंने एक ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। उनके पास जो मटेरियल था उनका एक क्रॉस था, उस क्रॉस को उन्होंने यहाँ पे रखा और उन्होंने क्या देखा कि जब इस क्रॉस को वो रखते हैं तो इसका अपोजिट साइड वो यहाँ जनरेट होता है। उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो पार्टिकल आ रही हैं रेज लाइक बिहेवियर शो कर रही हैं, लाइट रेज की तरह। फिर उन्होंने इसी रेज के सामने एक पैडल व्हील रखा, इस तरह का कोई पैडल व्हील रखा, जो कि देखा गया कि ये रोटेट हो गया ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ दिस रेज। इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो रेज आ रही है कैथोड रेज के नाम से, जिसको उन्होंने कहा था कैथोड रेज, इनमें मटेरियल लाइक प्रॉपर्टी है, मींस दे हैव सम मास।
फिर उन्होंने अगला सेट इसी सेटअप में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ऐसे लगा दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो रेस थी ये बेंड होने लगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। उन्होंने ये भी इसका कंक्लूजन निकाला मन में कि ये जो रेस जनरेट हुई हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ तक जो बातें हुई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जे.जे. थॉमसन ने किया क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप किया, उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया, लो प्रेशर पे गैसेस में कंडक्शन की स्टडी वो करना चाहते थे। कंडक्शन तो हुआ ही हुआ, साथ में उन्होंने और वेरियस अदर एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता करने की कोशिश की कि ये जो चार्ज कैथोड रेज जो हैं, जिनको हम कैथोड रेज वहाँ कहा गया, पहले इसलिए इसको कैथोड रेज क्योंकि साइंटिस्टों का ये मानना था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि इसके अंदर जो गैस थी वो आयोनाइज हो गई। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये गैसेस, जो भी गैस रही होगी उसके चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन टकराए होंगे आयोनाइज होके ये यहाँ पे चला गया होगा। फिर एक बात और आती है कि अगर गैसेस थे तो हाई प्रेशर के गैस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हाई प्रेशर के गैस के माल जो एटम्स होंगे वो बहुत क्लोज होंगे, नियरली बहुत क्लोज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पास नहीं करने देंगे, उनकी एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ के थ्रू यहाँ पे चला जाए। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ। फिर ये जे.जे. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया इसके बारे में मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ। डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी दिखाया कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब कैथोड रेज के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो अपोजिट वॉल पे उसका शैडो बनता है। इसका मतलब ये होता है, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो कैथोड रेज हैं दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड एज इट प्रोड्यूसेस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ। सेकेंड पॉइंट जो निकला, कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो कैथोड रेज हैं उनके पास मटेरियल लाइक प्रॉपर्टी है, इस वजह से मास है उनमें कुछ, इस वजह से वो पैडल व्हील को रोटेट करते हैं अगर उनके पाथ में रखा जाता है तो। एंड जब हम उसके एक्सटर्नली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस तो डिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि वो जो कैथोड रेज हैं जिसके बारे में अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था कि वो हैं क्या, फिर उससे उसके बारे में ये पता चला कि दे मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज। और बाद में इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने E/M रेशियो निकाला जे.जे. थॉमसन ने, इसके चार्ज और मास का एक रेशियो निकाला, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो इसका मास है वो 2000 टाइम्स लेसर देन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले ही डाल्टन ने बोला था कि एटम इंडिविजिबल है, एटम फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड इन सब पार्ट्स, सब एटॉमिक लेवल वी कैन नॉट डिवाइड एनी एटम। सबसे छोटा जो एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था, उसके गैस के थ्रू जब ये पास किया गया और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उनका मास उस हाइड्रोजन गैस के एटम से 2000 टाइम लेस आया। इसका ये पता चला कि एटम से भी छोटा, एटम से भी स्मॉल कोई सब एटॉमिक पार्टिकल उस गैसियस एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं E/M रेशियो एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का अगला सेटअप जो जे.जे. थॉमसन ने किया, उन्होंने इस रेज की प्रॉपर्टी का स्टडी फर्दर लेवल पे आगे ले गए। वो चाहते थे कि
इसका जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है और मास है, इसका स्टडी उस समय बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके रिलेशन, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना फोर्स अप्लाई करता है, किसी चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई, ये सब चीज़ें फिजिक्स में डेवलप हो चुकी थी। उन थ्योरीज का यूज़ करके जे जे थॉम्सन ने जिस पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया, उस पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशियो स्टडी करने के लिए उसने क्या किया, पहले उसने सिंपली इस डिस्चार्ज ट्यूब को ऑन कर दिया, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे, और डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या किया, एक मेटालिक स्फेरिक सर्कुलर मेटालिक प्लेट्स लिए, एक को नेगेटिव प्लेट बनाया, एक को पॉजिटिव प्लेट बनाया, और उसको जब उसने ऑन किया, आपको पता है कि हाई वोल्टेज पे डिस्चार्ज ट्यूब काम करते हैं, लो प्रेशर पे, ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो जैसे ही इसने डिस्चार्ज ट्यूब को ऑन किया सर्किट को, यहाँ से एक रेज प्रोड्यूस हुई जो स्ट्रेट लाइन में आके इस जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे ए स्ट्रेट लाइन पे ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया। फिर उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो देखा कि अब ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट होके पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया और फिर वो केवल मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेट लगाए, तो उन्होंने देखा कि ये जो है जाके पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रहा है। फिर जे जे थॉम्सन ने दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड को अप्लाई करके एडजस्ट किया कि ये जो डिफ्लेक्शन पहले बी पे था इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी पे था, इन दोनों को एडजस्ट करके उन्होंने किया कि ये फिर वापस स्ट्रेट लाइन ए पे आके टकराए। तो इससे दो फोर्सेस के बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उससे उन्होंने फार्मूले को कैलकुलेट किया जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और वो पाए कि इसका रेशियो ई बाई एम रेशियो जो आता है वो आता है 1.77 इंटू 10^11 कूलम्ब पर केजी। तो इसमें स्पेशल बात क्या थी कि ई बाई एम रेशियो ये जो था ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द प्लेट, इस प्लेट के नेचर के इरिस्पेक्टिव, चाहे हम प्लेट कोई भी मेटल यूज़ करें, ई बाई एम रेशियो सेम आया। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये रेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया, वो इस बात पे नहीं डिपेंड करती हैं कि मटेरियल कौन सा है, मतलब दे आर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द मटेरियल।